दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत ने इतना विकास कर लिया है कि विश्व में किसी भी देश में अगर डिजिटल पेमेंट की बात उठती है तो वहां पर भारत का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि भारत विश्व के उन कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में से एक है जिसने डिजिटल पेमेंट को आम जनता के हाथों में दूसरे विकसित देशों के मुकाबले काफी जल्दी और बड़े पैमाने पर पहुंचा दिया। एग्जाम्पल के लिए, आज आपको हर भारतीय के मोबाइल फोन में यूपीआई जरूर दिख जाएगा। साथ ही यूपीआई से किए जाने वाले पेमेंट न कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस पेमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि छोटी सी टॉफी खरीदने के लिए भी यूपीआई इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसने 140 करोड़ लोगों के देश में कोने कोने और हर गली मोहल्ले तक यूपीआई की पहुंच बना दी, जिसकी वजह से आज भारत विश्व में डिजिटल इकोसिस्टम के क्षेत्र में सबसे एडवांस और शक्तिशाली देश है। और इसी की कड़ी में अब भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल दोस्तों, ये बात पूरी तरह से कन्फर्म हो चुकी है कि आप यूपीआई के जरिए विश्व के दूसरे देशों में भी बड़ी ही आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। और यह सुविधा सबसे पहले फोन पे ऐप ने जारी की है, जिसके नए अपडेट के बाद आप सिंगापुर, भूटान, नेपाल और यूएई जैसे देशों में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, जो न कि सिर्फ भारतीय टूरिस्ट का इन देशों में आना आसान कर देगा, बल्कि भारतीय बिजनेसमैन और मर्चेंट्स को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर पेमेंट करने की सुविधा अवेलेबल कराने वाला फोन पे पहला ऐप बन चुका है। और इस नए अपडेट के बाद अब बड़ी ही आसानी से हम अपने यूपीआई डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का विस्तार अलग अलग महाद्वीपों में भी कर सकेंगे, जो भारत का प्रभाव और सॉफ्ट पावर कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इतना ही नहीं, बल्कि डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भारत जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, ये देखकर अमेरिकन डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पसीने आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये कंपनियां अच्छा खासा चार्ज करती है, बिल्कुल वही सुविधा यूपीआई भारतीय लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। यानी आखिर कोई भी भारतीय किसी विदेशी डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी का इस्तेमाल क्यों करेगा, जब ये सारी सुविधाएं वे मुफ्त में यूपीआई के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने इन विदेशी कंपनियों को सोच में डाल दिया। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस तरह से यूपीआई ने देश के अंदर सफलता हासिल की है, ये देखकर दुनिया भर के ज्यादातर देश इससे काफी ज्यादा प्रभावित हैं, जिसकी वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत के यूपीआई ने इसी तरह अपना विकास जारी रखा तो भविष्य में यूपीआई ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट का मुख्य केंद्र बन सकता है, जिसकी ताकत और प्रभाव कुछ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तरह ही होगा। साथ ही आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लगभग 350 से भी ज्यादा बैंक मौजूद हैं, जो हर महीने 6.7 बिलियन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $140 बिलियन से भी ज्यादा की होती है। यानी यूपीआई से हर महीने लगभग $140 बिलियन की ट्रांजैक्शन हो जाती है, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी सफलता है, खास करके ये बात ध्यान में रखते हुए कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 6 साल पहले ही शुरू किया गया था। वहीं पर मौजूदा समय में यूपीआई के पास 100 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं, और ये एक्टिव यूजर हर दिन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब जब यूपीआई का इस्तेमाल सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे देशों में भी पेमेंट के लिए किया जा सकता है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं किसका विकास कितनी ज्यादा तेजी से होगा। मतलब यूपीआई आने वाले समय में भारत द्वारा विश्व को दिए गए कुछ सबसे सफल और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में से एक होने वाला है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर भारतीय ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल से जुड़ी हुई है, जिसके तहत अब इस मिसाइल की टेस्टिंग कब शुरू होगी इसके बारे में हमें साफ क्लेरिफिकेशन हासिल हो चुकी है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रह्मोस एनजी अगले कुछ ही सालों में भारतीय वायुसेना के फाइटर विमानों पर हमें ऑपरेशन होती नजर आ सकती है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा अपग्रेड होगा। दरअसल तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के ट्रायल साल 2024 के अंत से शुरू हो सकते हैं, जिसके बाद इस मिसाइल की टेस्टिंग में 1 से 2 साल का समय लगेगा। यानी साल 2026 या 27 तक ब्रह्मोस एनजी हमें भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऑपरेशनल होती हुई नजर आ सकेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन आम ब्रह्मोस के मुकाबले वजन में 50% हल्की होगी, लेकिन इसकी क्षमता फुल साइज ब्रह्मोस जितनी ही होने वाली है। ब्रह्मोस एनजी में 2-स्टेज रैमजेट रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी रेंज 290 किलोमीटर की होगी। यानी MTCR की गाइडलाइन के अनुसार भारत इसका निर्यात भी बिना किसी परेशानी के दूसरे देशों में कर सकेगा। साथ ही इस मिसाइल की लंबाई लगभग 6 मीटर यानी 20 फीट के आसपास की होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन अपने साथ 200 किलोग्राम का एक भारी भरकम वॉरहेड भी ले जा सकेगी। कुल मिलाकर देखें तो भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल अब बहुत जल्दी तैयार हो सकती है, जिसके बाद हम चीन और पाकिस्तान पर सही मायने में एयर डोमिनेंस बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी मिसाइल होगी जिसका जवाब चीन
और पाकिस्तान के पास मौजूद कोई भी मिसाइल नहीं दे पाएगी, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के यूपीआई सिस्टम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत का यूपीआई अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट की जगह ले पाएगा या नहीं? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।